नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। लंबाई रखी है 14.5 इंच, शोल्डर रखा है 7 इंच और आर्म होल भी रखा है 7 इंच। गले की चौड़ाई ले लेंगे 4 इंच। अब देखिए, गले की गहराई जो है वो लेंगे 11.5 इंच लिया है। और इस तरह से वी गले का निशान बना देना है, सीधा ही रिबन रख के इसको एकदम बिल्कुल सीधा ही यहाँ से मिलाना है। फिर इसे कट कर लेंगे। अब हमें कपड़े पर रखते हुए इसे कट कर लेना है। तो इस तरह देखिए, कपड़े पर रख के इसे कट कर लिया है। अब अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगाएंगे नीचे वाली साइड से इसे कंप्लीट करते हुए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अस्तर पर लगाया। अब इसको पलट कर किनारे से एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये देखिए, इस साइड से ये कंप्लीट हो गया है। अब साइड से भी सिलाइयां लगा लेनी हैं। तो इस तरह देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है, अस्तर के बाहर जितना भी है, उसे कट करके पहले बराबर करेंगे। तो इस तरह पहले बराबर कर लेना है इसको कट करके। फिर हमें गले पर पाइपिंग बनानी है। तो ये इस तरह से बराबर से कट कर लिया है। अब गले पर पहले पाइपिंग बना लेंगे। पाइपिंग बना कर ये गला तैयार करेंगे। पाइपिंग पट्टी ले ली है, इस तरह से एक तरफ से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, इस तरह से हमें पाइपिंग बना देनी है। तो इस तरह हमने पाइपिंग बना दिया है। पहले पाइपिंग इस पर इस तरह तैयार कर लेनी है, उसके बाद अब इस पर डिजाइन के लिए कट करेंगे। तो हमने लिया है बुकरम पट्टी और इसको इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। और देखिए, 8.5 इंच पर पूरी डिजाइन ये कट करेंगे। 2 इंच 2 पॉइंट पर कट किया, फिर 1/2 इंच का पर निशान बनाया, फिर हम 2 इंच 2 पॉइंट पर कट करेंगे। तीन डिजाइन कट इस पर रखेंगे ये डिजाइन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर तीनों बराबर ही करना है। 2 इंच 2 पॉइंट पर ये कट किया है और बीच में हम 1/2 इंच छोड़ दिया है हमने सभी के बीच में। तो इस तरह से बना लिया है। इसी तरह में दूसरा दोनों साइड से डिजाइन, एक साइड ये रहेगी और इसी साइड दूसरी भी हमें तैयार कर लेना है। इसी तरह से देखिए, इसको भी डबल फोल्ड करके लिया है और इस पर ये वाली डिजाइंस को बराबर से रखेंगे। फिर वहीं से देखिए, ये निशान इस पर निकाल लेना है। तो बार बार हमें ये नाप लगाना नहीं होगा, वहीं से इस पर निकाल लेंगे। तो इस तरह वहीं से देखिए, इस पर निकाल लिया है। अब जो इस तरह है कट कर देंगे दोनों तरफ से इसे, यानी कि पूरा निशान कर लेना है। डबल फोल्ड करके ये किया तो हाफ ही हुआ, और इस वाली साइड से कर देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए, दोनों हमने पट्टियों पर डिजाइंस कर ली है। अब इसे कपड़े पर रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमने कपड़ा लिया और इस पर रखते हुए, रखने के बाद एक सिलाई इस पर लगा लेना है बीचों बीच। तो दोनों पर ऐसे ही सिलाई लगा ली है कपड़ा रखते हुए। अब देखिए, यहाँ पर इसको इस तरह से लगाना है नीचे वाली साइड से। छोड़ा है हमने 1 इंच, जहाँ से हमारा गला समाप्त हुआ है 1 इंच मिलाते हुए इस तरह रखेंगे। और ऊपर 3 इंच, 3.5 या 3 इंच छोड़ देना है ऊपर से। फिर इसे बराबर से बिल्कुल सीधा ही रख लेना है।
और इस तरह सिलाई लगा देनी है। बीच में जो आधा इंच का गैप दिया है वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। वहाँ से पट्टी कट होगी तो ये डिजाइनें तीनों अलग अलग पलटेंगी। तो सिलाई लगाने के बाद अब इसे कट कर लेंगे। और देखिए पाइपिंग वाली साइड से भी आधा इंच छोड़ना है, तो उस साइड से भी हमने आधा इंच छोड़ते हुए ही ये डिजाइनों पर इन सिलाई लगाई है। अब इस तरह से कट करेंगे और पूरे पर फिर कट लगा देंगे। कट करने के बाद हमें इस तरह से कट लगा देना है पूरे डिजाइंस पर। तो हमने कट लगा दिया। अब इसे देखिए इस तरह से हमें पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है और पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा देना है। तो इस वाले पर ये हमने कट नहीं लगाया था, लगाना भूल गए थे। तो देखिए पलटते समय ही अच्छे से ये नहीं पलटाएगी अगर कट नहीं लगाते हैं तो फिर हमने देखिए बाद में लगाया, उसके बाद इसे पलटा। तो अब इसको अंदर की तरफ पट्टी को पलटना है और फिर अच्छे से बनाते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाना है। चाहे तो सिलाई लगा दें या तो फिर अच्छे से पलट कर इस पर प्रेस कर दें तो जो ये पट्टी है बुकरम पट्टी उठी उठी सी जो रहेगी तो अच्छे से बैठ जाएगी। तो हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगा दी है। अभी इस वाली साइड से जो पट्टी ज़्यादा है उसे कट करेंगे, यानी गले के बाहर ये नहीं दिखनी चाहिए। तो उसे हमने कट कर दिया। अब दूसरी तरफ की डिजाइंस भी हमें इसी तरह से तैयार करनी है। अब इसके अंदर जो डिजाइंस हम बनाकर भरेंगे उसके लिए ये कपड़ा लिया है। यहाँ पर हमें लेना है 2 इंच चौड़ी पट्टी, जो पट्टी की चौड़ाई है 2 इंच ले लेना है और लंबाई इसकी जो कर्स है उससे आधा आधा इंच दोनों तरफ ये बढ़ाकर यानी सिलाई के लिए बढ़ा लेना है, उतना बड़ा लेना है। चाहे तो आप नाप कर ले सकते हैं या ऐसे ही अंदाज के ले सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा रहे जो कि सिलाई में जाएगा। फिर इस तरह धागे से इसको बराबर से बांध लेना है। बांधने के बाद हमें एक मोती यहाँ पर पहले लगा देनी है, थोड़ी बड़ी लगाएंगे। अभी इस बड़ी मोती के चारों तरफ से छोटी मोतियाँ लगा देंगे। तो इस तरह हमें छोटी मोतियाँ चारों तरफ से लगा देनी है। फिर इस पर चारों तरफ से सिलाई भी लगा देनी है मोतियों को पकड़ते हुए। तो इस तरह सिलाई लगा दिया है, धागे को पक्का करते हुए इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी डिजाइन तैयार करना है। इस साइड भी जो लगेगी 3 इस साइड लगेगी और 3 उस साइड। तो इसी तरह हमने बाकी डिजाइनें भी तैयार कर ली है। देखिए इसके अंदर वाली साइड से इसको बराबर से मिलाकर रखना है, फिर यहीं से सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, जो पट्टी एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। गले वाली साइड से ये कट कर देना है। तो हमने थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी बना ली थी, यहाँ पर इसे कट कर देंगे। इसी तरह इस वाली साइड के डिजाइंस को भी हमने पूरा कर लिया। अब हमें लेस लगाना है। तो ये हमने गोल्डन लेस लिया है और देखिए इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। चाहे जिस वाली डिजाइन से रखें वहीं पर ये आकर समाप्त होगा। तो इस तरह से देखिए लगाना रहेगा, ऐसे हर एक डिजाइंस को क्रॉस करते हुए इस एक पूरे पर लगा देंगे। अलग अलग से नहीं लगाना होगा, एक ही लेस लेंगे और पूरे पर ये यही लग जाएगा। तो इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी लगा लिया है। तो लेस हमने लगा लिया है, लास्ट में इसका प्लेट्स बना देंगे। डिजाइन हमारा तैयार हुआ। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस यही डिजाइन इस पर रहेगा। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हैवी भरा भरा सा हो जाएगा। दोनों प्लेट्स भी बना लिया है। गले पर डोरी लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा डीप भी नहीं गला है और थोड़ा ज़्यादा ही रहता है तभी सही रहता है। तो गहराई हमने इसकी 11.5 इंच रखी थी। डोरी भी इस तरह से बाद में लगा देंगे। तो डिजाइन बन के तैयार हुआ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।